हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलीजा परिंदा बाज़ार। आज हम लोग ये प्लान किए थे कि आज ये लॉक साफ़ करना है। एक साल से ये लॉक साफ़ नहीं हुआ था, इसलिए देखिए बहुत सारा कचरा घर गया था, कबूतर का पॉटी वगैरह सारा भर गया है लॉक में। इसलिए आज हम लोग बढ़िया से इसको साफ़ करवा रहे हैं, सारा जो है हटा हटा कर, इसका जितना भी दरबा है इसको हटा कर हम लोग सब इसको साफ़ करा रहे हैं। ये देखिए अभी इन लोग गंदगी में सारा है, और देखिए कितना कचरा जमा हुआ है गाइस। इसको साफ़ कराना बहुत ज़रूरी था, इसलिए साफ़ करवा रहे हैं। ये देखिए मक्खी का है, मक्खी कबूतर है, और ये देखिए हमारा ये भी टाइगर मक्खी है। इस लोगों का भी दरबा गंदा हो गया है, इसलिए आज साफ़ करवा दे रहे हैं। ये टाइगर मक्खी है जो अंडा पर बैठी हुई है। ये तांबड़ा है, तांबड़ा नर है, ये तांबड़ा नर बैठा हुआ है अंडा पर। ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, एक परत बैठ गया है इसमें। ये देखिए गाइस, ये मक्खी कबूतर है, ये अंडा देने वाली है, और इस लोग को भी दिक्कत लग रहा है, मुझे डर भी लग रहा है ये अंडा ख़राब ना हो जाए लोग साफ करवाने से, ये अंडा छोड़ ना दे। बहुत बार ऐसा होता है कि अंडा हटाने से जगह चेंज होने से जो है अंडा को नहीं सेव होता है। ये देखिए गाइस, ये टाइगर मक्खी का अंडा है, दो अंडा इसने दिया है। और ये देखिएगा, ये है तांबड़ा का अंडा, तांबड़ा का अंडा है, ये भी बैठा हुआ अंडा। ये सब हर सबको हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही यह सारा रैक निकालना पड़ेगा, तब ये बन पाएगा, साफ हो पाएगा। ये देखिए कागजी भी बैठा हुआ है, कागजी का बच्चा है, और ये बच्चा अभी एक महीना का बच्चा होने वाला है इसका। ये देखिए गाइस, ये भी जो है मक्खी का बच्चा था, मक्खी का बच्चा ने फिर से एक अंडा दिया है, दो अंडा दे दिया है, और ये है मक्खी का बच्चा। मक्खी और जाक का ये जोड़ा था, ऐसा बच्चा निकला है, इसमें भी है दो अंडा है इसका। ये देखिए गाइस, कागजी भी बैठी हुई है, कागजी का भी बच्चा है। ये देखिए गाइस, ये सारा को अब हटाना पड़ रहा है, सबको हटाएंगे। हटाने के बाद जो है फिर ये देखिए, सारे कबूतर को मैंने बाहर निकाल दिया है, सारे कबूतर को बाहर निकाल कर उसके बाद सारा पेटी हटाना पड़ेगा। पेटी हटा कर तब उसको पानी से सारा गीला करके और तब हम लोग साफ़ करेंगे। ये हमारा एक बाथरूम है, उसमें ही मैंने सारा कबूतर का घर बना दिया है, ये अपना लॉफ्ट तैयार कर दिया है मैंने। ये देखिए सारे कबूतर बाहर आ गए हैं, अब अंदर जो है सफाई का काम चालू हो गया है। अब देखिए गाइस, हमने इनों को भी तब तक साफ सफाई हो गया है। अब ये देखिए गाइस, सारा जितना परत बैठ गया था पॉटी का इन लोग का, वो सारा परत हट गया है। अब ये हम लोग ने साफ करवाया है पूरा टोटल चीज, पेटी वगैरह भी जो है साफ करके उसको सारा नया पेटी लगा दिया है हमने। और ये देखिए, ये सब जो रैक था, ये रैक का भी साफ़ सफाई हो गया है। अब सब कबूतर फ्रेश रहेंगे, साफ़ सफाई करवाते रहना चाहिए गाइस, नहीं तो कबूतर जो है बीमार पड़ जाते हैं। अब साफ़ सफाई रहेगा तो कबूतर के बच्चे को दाना वगैरह नहीं होगा, कबूतर बीमार नहीं पड़ेंगे, सारे कबूतर फ्रेश रहेंगे। इसलिए आप लोग भी गाइस, जो भी आप शौकीन हैं या शौक करते हैं कबूतर का, वो कम से कम एक महीना में एक बार आप साफ़ करवा लिया करें, ताकि आपके कबूतर जो है फ्रेश रहें और उसमें शाइनिंग भी रहेगी, कबूतर में शाइनिंग बहुत अच्छी रहेगी। ये देखिए गाइस, अब मक्खी जो है बैठ गया है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है इन लोग का, कभी मादा बैठता है कभी नर बैठता है। और ये जाग बैठा हुआ है, ये देखिए गाइस, ये जाग और मक्खी का जोड़ा है, ये जाग मक्खी का जोड़ा है। ये देखिए बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है गाइस। और ये देखिए कागजी और चीना का जोड़ा है, ये घर का ही बच्चा है, कागजी मोतीचूर आँख में है और ये चीना है, इन दोनों का बच्चा जो है कागजी ही निकलता है। और ये चीना बहुत ही अच्छी है, इसका जैसा भी नर देते हैं, जैसा ही नर देते हैं वैसा बच्चा निकाल देती है इसका गाइस, बहुत बार कागजी बच्चा निकला है। ये देखिए सब्जा है, ये देखिए गाइस, ये मक्खी है, वही कागजी और मक्खी का बच्चा निकला है। और ये देखिए जाग का जो बच्चा है गाइस, अब देखिए ये सारा साफ़ हो चुका है, ये सब